नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम और सभी का स्वागत करता हूं मैं जनता जनार्दन के यूट्यूब चैनल के इस न्यूज में। और इस न्यूज में आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा, अभी इस वक्त हम मौजूद हैं देवली रोड पर और देवली रोड में पीछे देख सकते हैं तमाम सारे लोग यहां पर कतार में मौजूद हैं। अब मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा आप थोड़ा सा आते रहें और ये सभी लोगों को थोड़ा सा फोकस करें। ये सभी गाँव के लोग हैं और आप देख सकते हैं जितने भी हैं युवा वर्ग के लोग हैं और यहाँ पे गांव के जो भी वरिष्ठ व्यक्ति हैं सभी मौजूद हैं। आप लोग इसको देख लें, यहाँ पर बैठे हुए हैं और बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से बैठे हुए हैं। क्यों ये बात है और क्या विषय है, थोड़ा सा ये महिलाएं भी ऐसी कड़कती ठंड में, महिलाओं को आप देख सकते हैं, गांव के महिलाएं जो कि यहाँ पर इतनी कड़क ठंड में मौजूद हैं, 8 डिग्री 5 डिग्री की ठंड में भी मौजूद है। यहाँ पर अनिता सतपाल सिंगल जी जो कि मौजूदा निगम पार्षद है वो भी मौजूद हैं। गांव के सभी व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है, देख सकते हैं। और विषय क्रम में जितने भी सारी बातें हैं यहाँ पर लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सभी से हम थोड़े थोड़े बात करेंगे। अंकल जी सबसे बुजुर्ग हैं, अंकल जी से हम बात करेंगे, थोड़ा आगे आ जाए। अंकल जी ये जो बैठे हुए हैं आप लोग क्यों बैठे हुए हैं, क्या बात है? मैं बीमार बोल रहा था, ठेका खुल रहा है ना। हाँ, इस विषय में बैठे हैं। इसलिए बैठे, बंद कराने के लिए, बंद करवाने के लिए, ये ठेका बंद कराना सारा काम। और भी भाई लोग मौजूद हैं, युवा हैं, इनसे भी बात करते हैं। भाई आप क्या कुछ कहना चाहोगे, आप गांव के निवासी हैं, आप यहाँ रहते हैं। भाई यहाँ ठेका बंद होना चाहिए, यहाँ माहौल खराब हो रहा है, इससे इतनी भीड़ आ रही है। मंदिर है यहाँ पे पास में, स्कूल है, हॉस्पिटल रहे, लैब रही, कोचिंग सेंटर, ये सब बच्चे क्या करेंगे, ये दारू पीते रहेंगे दिन भर। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। दुकान की बात करें आप थोड़ा सा इधर आए, और भी गाँव के लोग हैं, सतपाल जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, सतपाल जी से हम बात करेंगे। तो सतपाल जी क्या गांव के लोग आज पूरे जमावड़ा यहाँ पर है, सभी वरिष्ठ सभी वर्ग से आए हुए हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस दिन से ठेका खुला है हमारे गांव के लोग और हमारी जो माताएं बहनें बैठी हुई हैं ये उसी दिन से यहाँ बैठी हुई हैं। कल भी पूरा जमावड़ा था, हम लोगों ने कल भी इसको बंद करवाया है, उससे पहले 26 जनवरी से पहले दिन भी हमने इसको बंद करवाया है और हम इस ठेके को किसी भी कीमत पर खुलने नहीं देंगे। या हम कितने केस बन जाओ या कितने ही हम लोगों पर वो बना रहे, हम ठेका नहीं खुलने देंगे यहाँ देवली। बिल्कुल। तो यहाँ पर बंटी सिंगल जी हैं जो कि आप लोगों ने कई सारे मुद्दे पे देखा होगा, बंटी जी को हमने हमारे चैनल के माध्यम से कई सारी जिम्मेदारी को, गांव के सभी वर्ग किसी भी प्रकार की परेशानी में हो बंटी सिंगल जरूर वहाँ पर मौजूद रहते हैं। बंटी जी आप यहाँ पर मौजूद हैं और गाँव के विषय की बात करें, किस प्रकार से ये परिस्थिति जो है ठेके की बात हो रही है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? ये जी जो ठेका खुल रहा है गांव के बीच में खुल रहा है, बिल्कुल ऑनलाइन खुल रहा है और हम नहीं चाहते यहाँ पे गांव में ठेका खुले, खोलना तो अपने आगे जाके खोलना है, यहाँ पे ठेका नहीं खुलना चाहिए। यहाँ पे हमारा घर परिवार रहता है, बच्चे रहते हैं, बहन बेटियाँ रहती है, हम चाहते हैं यहाँ पे ठेका नहीं खुले और किसी भी कीमत पर हम यहाँ ठेका नहीं खुलने देंगे। बिल्कुल, ये पूर्ण अडिग हुआ, ये जब के बैठे थे हमने अनशन करना पड़ी हो, हम यही बैठेंगे। देख सकते हैं गांव के लोगों ने ठान लिया है, थोड़ा सा आप पीछे जाएं, और भी लोग हैं यहां पर, धर्मवीर कौशिक जी हैं, इनको भी आपने देखा होगा कई सारे बड़े बड़े मुद्दों पे काम करते हुए, सामाजिक मुद्दों पे काम करते हुए। सर ये जो ठेका खुल रहा है, गांव का आस्था का विषय है, गांव का एक संस्कार रहा है वर्षों से, शराब हो चाहे नशे को लेके गाँव के लोग जागरूक रहते हैं और इस चीज को होने नहीं देते हैं, बहरहाल यहाँ पर ठेका है, क्या कहेंगे? देखिए दिल्ली सरकार का सही मायने में तो ये फैसले ही गलत है कि रेजिडेंशियल एरिया में शराब की दुकानें खोली जाए। देखिए शराब तो सभी लोग, बहुत सारे लोग पीते हैं, मैं इस बात को ये नहीं कहता कि लोग नहीं पीते, कंज्यूम करते हैं, लोगों की आदत है, पीते हैं, कहीं ना कहीं से लेके आते हैं। और ये बात भी उठती रही है कि कच्ची शराब के लिए ये चीजों को खोला जा रहा है कि कच्ची शराब ना बिके, लेकिन इसके पीछे एक सरकार का जो पहलू होता है वो ये होता है कि सरकार नॉर्म्स पे काम करे, मास्टर प्लान पे हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत दिन से आप देख रहे हैं कि मास्टर प्लान के एरिया की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसमें मास्टर प्लान में ये चीज दिखा है कि जो रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ पे शराब की दुकानें अलाउड नहीं है। मास्टर प्लान के रूल के हिसाब से 20 तरह की दुकानें अलाउड हैं, जिनके सारी के जिक्र तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन उसमें शराब की दुकान का नाम नहीं है कि रेजिडेंशियल एरिया में शराब की दुकानें नहीं खोली जा सकती। ये ओवरऑल अपने आप में गलत डिसीजन है, जहाँ आपका कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे आप इनको खोल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, और रेजिडेंशियल एरिया खास तौर पे इस चीज की मनाही है। तो इसीलिए गांव के लोग विरोध कर रहे हैं कि रेजिडेंशियल एरिया में सब पे गलत असर पड़ता है इन सब चीजों का। तो शराब कोई हमारे यहाँ ओपन पीने की वस्तु नहीं है, लोग बैठ के पीते हैं, अलग जगह एक तरीका होता है उसका जो लोग कंज्यूम करते हैं, लेकिन सारा गाँव इसके विरोध में है। तो हम भी गाँव के साथ है कि भाई गाँव जो कर रहा है
रेजिडेंशियल एरिया में शराब नहीं बिकनी चाहिए, हमारा ये क्लियर कट स्टैंड है। बिल्कुल बिल्कुल। और लोग हैं जो कि आइए थोड़ा सा, आपके पास भी गए थे तो हम उनको देके आए हैं कि भाई नहीं खुलना चाहिए, और ये हमारा धरना जो है ना, ये मैं दिखाना चाहता हूँ देवली विलेज की तरफ से, आप लोग बिल्कुल देख लें, देवली विलेज न्यू दिल्ली की तरफ से लेटर हेड के माध्यम से यहाँ पर प्रशासन में भी ये बातें पहुँचाई जा चुकी है। ये हम कल अपनी अनिता भाभी निगम पार्षद को भी देके आए थे, ये देखिए ये बंद होना चाहिए, ठीक है जी, थाने में भी देके आए थे, टिगड़ी थाने से भी हम कल लिखवा के लाए थे, ये है, ये हम ये नहीं खुलने देंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। ये तो नीति के ऊपर अगर बात करें, ये किस प्रकार से सरकार की, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, ये किस प्रकार से नीति के तहत सर बोलेंगे, राज्य सरकार की नीति के बारे में क्या कुछ बोलना चाहेंगे? दिल्ली सरकार की नीति तो आप देख ही रहे हो सर, जो दिल्ली सरकार पंजाब में चुनाव लड़ रही है, वहाँ ये उन्होंने वादा किया है कि हम इसको पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे, और दिल्ली में जिसमें उसकी सरकार है, 9 साल से जिसमें उसकी सरकार है, उसमें उसने 200 कुछ ठेके दे पहले दिल्ली में, जिससे दिल्ली बढ़िया चल रही थी, आज 839 ठेके उन्होंने खोल दिए हैं। तो ये क्या नीति है सरकार की? कोई नीति नहीं है केजरीवाल सरकार की, ये केजरीवाल अपना फायदा देखता है, और केजरीवाल की कोई नीति नहीं है, प्रावधान ही नहीं समझ में आ रहा। तो लोग बात देखो ना, स्टेट दोनों है, ये राजधानी है, वो पंजाब है, पंजाब में कह रहा मैं सब ठेके बंद कर दूंगा, दारू बंद कर दूंगा, और दिल्ली में देखो 4 गुना ठेके खोल दिए उसने दिल्ली में, ये नीति है सरकार की। हमारे कुछ युवा साथी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं, युवा है और हर वर्ग के लोग, देखिए नशा जो है पर्दे में जरूर होता है, ये दुनिया को भी पता है, मगर यहाँ पर युवा वर्ग है, इनके भी विचार ले लेते हैं। भाई जी क्या कहना चाहोगे आप, ये जो ठेका खुल रहा है गांव का विषय है, क्या बोल सकते हैं? भैया देवली के मेन बस स्टैंड है ये, ठीक है, यहाँ से 100 मीटर पे मंदिर है, 100 मीटर पे स्कूल है, बच्चे यहाँ से आते हैं जाते हैं, लेडीज आती जाती हैं, तो विषय तो है ही चिंता का, कल को दारू पीने के बाद कोई बदतमीजी हो या कोई केस हो सकता, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? बिल्डिंग वाला तो नहीं लेगा ना, ठेके वाला चीज की जिम्मेदारी ले। एरिया में कौन ठेका खोलता है, ये मेन रोड पे या भारत में वहाँ खोलने की? हाँ जी बिल्कुल, अब जिसकी जो सोचता था ये दूर रीच में, सबके रीच में आ गया, अब जो नहीं करता वो भी ट्राई करेगा, अब जो नए बच्चे जो 200 रुपए तो पड़े ही रहते हैं, नहीं अब ये देखिए जो यूथ है सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, अब आप उनके रीच में नशा कर दोगे, आप कहते हमारा युवा नशे में डूब रहा है, कौन जिम्मेदार होगा इसका? सवाल बड़ा है और सर जवाब नहीं है हमारे पास भी, नीति भी, और यहाँ पर और भी महिलाएं हैं जो पर देख सकते हैं जो महिलाएं हैं, खासकर गांव के सभी बुजुर्ग श्रेणी के महिलाएं हैं और वरिष्ठ हैं, काफी जानकारी रखते हैं। आंटी आपसे दोबारा से जानना चाहेंगे, थोड़ा आगे आ जाओ आप, तो क्या कहेंगे, ये क्यों बार बार रहते हैं? बार बार हो रही है, हमारे बच्चे भी रहते हैं इस चीज से, बुरा असर पड़ता है इस चीज से, हमारे बच्चे नहीं, जो रखा पैसा होगा उसने ले जाएंगे, केजरीवाल नौकरी दो हमारे बच्चे खोल रहा है नहीं, और ठेके और खुलवा रहे नौकरी तो दे बेटा, कैसे बच्चा ना पाड़ेंगी, कोई नहीं पाड़ेगा, ऐसे भूखे मर जाएंगे सब, दारू पीती के बच्चों को बिगाड़े हैं, जो बच्चे खाएंगे तो उनके बच्चे क्या करेंगे आगे, और हम क्या करेंगे बुढ़ापे में? दारू का ठेका बिल्कुल बंद होना चाहिए, हमें बिल्कुल बंद चाहिए ठेका। देख
करते हैं। फाइनली जाते जाते यहाँ पर बलबीर जी हैं गांव के और वरिष्ठ हैं, बीजेपी से ताल्लुकात भी रखते हैं। शराब नीति केजरीवाल सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, इस प्रकार से समाज के अंतर्गत अनेकों ठेका जिस प्रकार से लाइसेंस थे कैंसिल होने के बाद उसे लग रहा है कि 3 गुना बढ़ा करके लाइसेंस इश्यू किए गए। देखिए अभी तो जो ये आबकारी नीति आई थी इसके अंतर्गत 250 ठेकों के जगह पे 849 ठेके हैं, लेकिन उन्होंने जो उसकी आगामी उनकी जो फ्यूचर प्लानिंग है उसमें इन ठेकों को बढ़ा के 3000 ठेके करने का उनका एक इस प्रकार का विचार चल रहा है। लेकिन जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस दिन से नीति आई है इसके लिए लगातार विरोध कर रही है, हम सभी लोग जानते पहले ठेके खुले हुए थे, अब जो दिल्ली के विकास का काम केजरीवाल साहब से हो नहीं रहा है और वो अब शराब पिला के लोगों को दिल्ली का विकास करना चाहता है। मैं आपको बता दूं उन्होंने दिल्ली सरकार ने 5000 करोड़ रुपए ज्यादा जो एक्साइज से पैसे सरकार के पास आते थे उसको शराब के द्वारा 5000 एक्स्ट्रा पैसा इकट्ठा करने का उसने निर्णय लिया है। लेकिन वो किस प्रकार दिल्ली का निर्णय करना चाहता है मैं आपको बता दूं, केजरीवाल ने किताब लिखी थी स्वराज इंडिया, उसके पेज नंबर 114 पे उसने ये लिखा है कि कोई भी समाज शराब पी के उसका विकास नहीं हो सकता। आज वो अपनी उस किताब को भी भूल गया, आज वो पंजाब में जाके शराबबंदी की बात करता है, लेकिन उसके दोगलेपन की हद तो तब हो गई जो देश के सांसदों में सबसे बड़े शराबी को पंजाब में जाके उसको मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की है। ये पंजाब की जनता भी इसको जवाब देगी और ये वही भगवत मान है जो संसद में शराब पीते हुए पकड़ा गया था और इसको 3 दिन के लिए संसद से निष्कासित किया गया था। लेकिन आज यही केजरीवाल जो पहले शराबबंदी की बात करता है, दिल्ली में शराब पिलाता है, वहां पे महिलाओं को पेंशन देने की बात करता है, यहाँ पे किस महिलाओं को उसने पेंशन क्यों नहीं दी? 7 साल से उसका दिल्ली का उसका राज है, आज तक क्या किसी महिला को पेंशन मिली? वृद्धाओं को पेंशन, विंडो को पेंशन वो पिछले 3 साल से मिल नहीं रही है। पिछले 7 सालों से 11 लाख लोगों के राशन कार्ड यहाँ पे बंद पड़े हैं। बेचारा गरीब लोग जो दूसरे प्रदेशों से आके दिल्ली में रह के अपना गुजारा करना चाहता है उसको राशन कहाँ से मिलेगा, कहाँ से अपना गुजारा करेगा? अभी तक तो नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना काल में लगातार राशन जो केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली की जनता को भी मिल रहा है उसमें राशन कार्ड की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब अगले 1 महीने 2 महीने के बाद मार्च में जब ये नरेंद्र मोदी जी की ये जो योजना थी समाप्त हो जाएगी, कहाँ से राशन मिलेगा? नीति कहने का मतलब है केजरीवाल जी, केजरीवाल साहब की नीति बिल्कुल समाज को विनाश करने की नीति है, उसका दिल्ली के विकास पे कोई काम नहीं है। उसको पिछले 7 सालों में क्या किया है सारी दिल्ली की जनता जानती है, लेकिन यहाँ पे तो हमारा ये जो केजरीवाल ठेके खोलना है, कम से कम हम देवली गांव के यहाँ के हम मूल निवासी हैं, हम यहाँ पे रहते हैं, सामने हमारा मकान है और ये जितनी महिलाएं अभी तो खाली हमारी ये 10-15 महिलाएं हैं, या तो इस पे निर्णय आ जाएगा सरकार का, अगर निर्णय नहीं आया तो यहाँ पे डेली अनिश्चित काल के लिए लगातार यहाँ पे धरना जारी रहेगा और हम इस ठेके को किसी भी हालत में खुलने नहीं देंगे। बिल्कुल, तो आप ये देख सकते हैं सभी लोगों से हमने बात की और यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे, चाहे वो बुजुर्ग श्रेणी के हो, चाहे वो गांव के युवा वर्ग के हो, प्रशासन की बात करें लगभग दिल्ली सॉरी देवली गांव की तरफ से लेटर हेड के माध्यम से लोकल थाना टिगड़ी थाने में भी इत्तला दिया गया था। आप ये पीछे देख सकते हैं दिल्ली पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है और खासकर गांव के लोगों के शिकायत यहाँ पर डीएम तक भी पहुँचा दिया गया है। आने वाले दिनों में देखने वाला विषय ये भी रहेगा कि ये खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। फिलहाल मौजूदा स्थिति के ऊपर अगर बात करें, गांव के सभी निवासी यहाँ पर मौजूद हैं और इनके विचारों को देखा जाए तो सीधी सी बात है कि भाई यहाँ पे आस्था का विषय है, गाँव की बात है, शिक्षा संस्कार की बात है, समाज कल्याण की बात है, तो ठेका हम नहीं खुलने देंगे। इन सभी विषयों को मद्देनजर आप लोग जुड़े रहिए। इस वीडियो में कमेंट करना ना भूलिएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं, केजरीवाल सरकार की शराब नीति के ऊपर आपकी क्या विचारधाराएं हैं, जरूर बताइएगा और जुड़े रहिए इस कड़ी में। और अगर और कहीं अपडेट होगी तो हम आपको अवश्य बताएंगे। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।